नमो जिनानम बड़ौत नगर में चरिया श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज के विशाल संघ के सानिध्य में 17 नवंबर से 22 नवंबर तक विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। यह प्रतिष्ठा महोत्सव जैन शासन का सर्वश्रेष्ठ महोत्सव होता है। पंच कल्याणक में यहाँ पर हमारे आचार्य श्री का संघ सानिध्य है और विशेष प्रवचनों का संपूर्ण समाज को लाभ होगा। और यहाँ पर चैत्य वृक्ष का निर्माण हुआ है, जिस चैत्य वृक्ष पर 4 मूल प्रतिमाएं विराजमान होती हैं वह होंगी और अकृत्रिम जिनालय कहलाते हैं। ये भवनवासियों के यहाँ, भवनवासी देवों के यहाँ ये जिनालय बनते हैं और वो लोग यहाँ वंदना करते हैं। इस मंदिर में बनने वाले चैत्य वृक्ष में 108 रत्न प्रतिमाएं भी विराजित होंगी और उन्हीं सभी प्रतिमाओं का हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराएंगे। निर्देशन डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन बड़ौत का है, प्रतिष्ठाचारी हंसमुख जैन धरियाबद हैं, सह प्रतिष्ठाचारी के रूप में पंडित भागचंद जैन धरियाबद रहेंगे और अन्य संगीतकार के रूप में राम कुमार के मधुर संगीत होंगी। आचार्य श्री का विशाल संघ का सानिध्य रहेगा। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के संघ में अभी 27 पीछियां हैं, 27 साधु हैं। इस संघ की विशेषता है कि इसमें आरिकाएं नहीं रहती, छुल्लक एलक भी नहीं होते, मात्र दिगंबर मुनि ही इस संघ में रहते हैं और धर्म प्रभावना करते हैं। अब यहाँ की कमेटी में अध्यक्ष प्रवीण जैन हैं और संयोजक अतुल जैन सर्राफ हैं और श्री सुनील जैन पेट्रोल पंप वाले हैं। एवं इस तरह से बड़ौत नगर में जो 10 जिनालय हैं सभी जिनालयों के सहयोग है और समस्त जिनालयों की समितियां इसमें सहभागी हैं। बड़ौत नगर अपने आप में विशाल नगर है। यहाँ होने वाली पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भव्य प्रतिष्ठा होगी। अनेक चैनल काम करेंगे, लाइव टेलीकास्ट पारस चैनल के द्वारा प्रतिदिन यहाँ होगा और आप लोगों के अड़मोकार चैनल है एवं अन्य चैनल भी यहाँ कार्य करेंगे, तो अपने आप में इसका दूर दूर देशों तक अर्थात विश्व में प्रचार प्रसार होगा। यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा उन प्रतिमाओं में प्राण संस्कार करेंगी, सूर्य मंत्र दिए जाएंगे और वो प्रतिमाएं सम्यक दर्शन का निमित्त बनेंगी और मोक्ष मार्ग जिससे चलता रहे, इसीलिए संपूर्ण नगरवासियों का तो उत्साह प्रतिष्ठा में है ही, किंतु इसके सौधर्मिंद्र राजकुमार जैन जैनसन इंडस्ट्रीज बने हैं और बड़े प्रभावी हैं, धार्मिक हैं और सभी पात्र बन चुके हैं। दिल्ली से यहाँ पर अनेक लोग सहयोग दे रहे हैं, तो यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हमारे नगर की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाएगी, जैन धर्म की प्रतिष्ठा को वृद्धिंगत करने का एक निमित्त होगी। जैनम जयतु शासनम।